चाहता हूँ कि इस प्रयास को आप जन जन तक पहुँचाएँ, हमारे साथ बने रहें, हमारा सहयोग करें। जिस तरीके से बाबा साहब केवल केवल दलितों के नहीं हैं, वो सबके हैं, आप सभी उसमें उनका सहयोग रहेगा तो वो एक जन जन तक पहुँचेगी बात। मैं मीडिया बंधुओं से चाहूँगा कि वो इसमें सहयोग दें, और आप सभी यहाँ पे उपस्थित हैं, अपना कुछ शब्द रखना चाहें तो रख सकते हैं। जय भीम। जो आपकी पुरानी संस्था थी, क्या वो आपका किस तरीके से सहयोग कर रही है, कर भी रही है या नहीं कर रही है? नहीं, पुरानी जो हमारी समिति है, बहुत ही उनकी तरफ से सहयोग मिल रहा है। जो पहले कार्य हुए हैं, उनका जो लेखा जोखा है, उनका जो कागजी कार्रवाई है, उन्होंने हमें सौंपी है। बहुत उससे हेल्प मिली है कि कैसे हम आगे परमिशंस और इन सब में जाएंगे और हमें कैसे वो आसानी से मिल पाएंगी। क्या पुरानी संस्था के कोई पदाधिकारी आपके बीच में आए हैं इस समय? हमारे बीच में है सर, चंद्रभान जी हैं, सर हैं, सभी जुड़े हैं। नौजवान हैं तो आप किन लक्ष्यों को लेके और क्या आपके उद्देश्य हैं जो आप ये गाजियाबाद के अंदर कर दिखाना चाहते हैं? आपका प्रश्न एक बार रिपीट करेंगे फिर से? आप युवा हैं, इंजीनियर हैं, तो आपने क्या लक्ष्य लेके आप इसके अध्यक्ष बने हैं और गाजियाबाद जिले के अंदर आप ऐसी कौन सी नई प्रॉपर्टी डालना चाहते हैं जो पुराने लोगों ने नहीं की है? देखिए, मैंने पहले भी अभी बताया है कि ये सीमित नवयुग मार्केट तक नहीं रहेगी, है ना। जो भी हमारे गाजियाबाद की जो समितियां हैं क्षेत्र की, उन सब से मेलजोल बनाकर ये पूरे गाजियाबाद में विस्तारित की जाएगी। एक तो ये हमारा प्रयास रहेगा, दूसरा आज जो समस्याएं हैं शिक्षा की और रोजगार की, उद्यमिता का, हमारा भी हमारी भी भागीदारी होनी चाहिए, उसके ऊपर हम पूरे प्रयासरत हैं। मेरे ख्याल से ये पहले नहीं हुआ है और हमारे जो वरिष्ठ साथी हैं उन सबके मार्गदर्शन से हम ये आगे कर पाएंगे बेहतर। परमवीर जी, आप इस समय अध्यक्ष बने हैं, जो भी नींव के ऊपर घर बनता है तो आप पुरानी चीजों को भूलना चाहिए भी नहीं। जी, जिस उद्देश्य के लिए डॉक्टर अम्बेडकर जन्मोत्सव समिति बनी, जी, उसका मुख्य उद्देश्य था 14 अप्रैल पर बाबा साहब का जन्मदिवस मनाना और पूरे बहुजन समाज को जागरूक करना। जी, उस परिपाटी में अभी तक जो मुख्य मुद्दा रहता था, हमेशा हर साल का मुद्दा रहता था झांकियों का, तो इस बार उन झांकियों की जो समस्याएं हैं उसे सुलझने के लिए आपने कुछ नई रणनीति तैयार की है? हमने हम साथियों से अपील करेंगे कि वो एक तो समय पे लाएं झांकियों को, पहले जो एक समय निर्धारित किया जाएगा और वो समय से पहुंच जाएं, क्योंकि बहुत 14 तारीख को बहुत अव्यवस्था सी हो जाती है, ना तो स्टेज को कोई ध्यान दे पाता है ना झांकियों को, तो हम प्रयास करेंगे कि वो समय पे आएं और समय पे ही, मतलब और शाम को 5-6 बजे तक वो झांकियां प्रोग्राम खत्म कर देना। हाँ, हम प्रयास करेंगे कि वो पहले ख़त्म हो जाएं, और जो वक्ता आएंगे उनको उनसे जो हमें इंफॉर्मेशन मिलने वाली है वो भी उसको ग्रहण कर सकें। हम लोग ये 3 दिन का कार्यक्रम रखेंगे, 13, 14, 15 को, और तीनों दिन अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग सेक्टर से हमारे बीच में वक्ता आएंगे, और इसमें हम सांस्कृतिक कार्यक्रम भी रखेंगे, अपने युवा साथियों का, बच्चों का भी प्रोत्साहन करेंगे जिन्होंने अच्छे काम किए हैं, जिन्होंने समाज में कुछ अच्छा योगदान दिया है, उनसे भी हम कल्चरल एक्टिविटीज़ का आवेदन करेंगे कि वो अपने हम अपने टैलेंट को भी एक तरीके से रिकॉग्नाइज करना चाहते हैं इसके इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। और 14 अप्रैल पे जैसे पार्लियामेंट पर सारे लोग जाते हैं और पूरे भारत से इकट्ठे होकर आते हैं, तो क्या गाजियाबाद की क्या भूमिका रहेगी, क्योंकि 14 अप्रैल पे पार्लियामेंट पे एक अपनी स्ट्रेंथ दिखाने वाली बात है, जैसे पूरे भारत के अंदर जो माहौल चल रहा है उसमें अधिक से अधिक गैदरिंग आप कैसे दिखाएंगे? देखिए, 14 अप्रैल में वहाँ भी होता है, वहाँ बहुत अच्छी गैदरिंग होती है, यहाँ भी होती है प्रभात फेरी के तौर पे, यहाँ पे भी लोग बहुत इकट्ठे होते हैं। यहाँ लोगों की स्वतंत्रता है कि वो जहाँ जाना चाहें वहाँ जाएं, है नहीं। हम प्रयास करेंगे कि पार्लियामेंट को भी हम प्रचारित करें और अपने गाजियाबाद की जो कार्यक्रम हैं उनको भी प्रचारित करें। बाकी लोगों की स्वतंत्रता है, वो जहाँ
अपनी शिरकत दे देना चाहें वो। प्रेमवीर जी, जैसे हम आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और अधिकतर जो अपना बहुजन का मीडिया है उसे अपने ही लोग अनदेखा करते हैं जी, तो उस समय जो आप प्रोग्राम करने जा रहे हैं, अभी आपने बताया कि हम जो प्रतिभाशाली हैं किसी फील्ड में हम उनको सम्मान देंगे, लेकिन अभी तक आपने ये नहीं बोला कि जो प्रेस वाले हैं जो हमारे बहुजन मीडिया हम उनको भी सम्मानित करेंगे। सर ये मैं ये हमने कल बात करी थी, हमारी जो कमेटी थी कि हमारे जो बहुजन चैनल्स हैं जो भी मीडिया के लोग हैं वो सभी लोग कहीं ना कहीं बहुत एक अच्छा रोल निभा रहे हैं कि जो हमारी इन्फॉर्मेशन का आगे पहुंच नहीं पाती थी वो पहुंचा पा रहे हैं। 13-14-15 तारीख का जो कार्यक्रम हर साल होता था, क्या वो उसी ढंग पर होगा या कुछ आप उसको आधुनिक करने की कोशिश करेंगे? बिल्कुल आधुनिक करने की कोशिश करेंगे, आप इस बार बहुत बदलाव देखेंगे कि नए युवा साथियों की टीम है और वरिष्ठ साथियों का हमारे पे आशीर्वाद है, तो उसका तालमेल बना के एक अलग आपको यहाँ पे कार्यक्रम देखने को मिलेगा। 14-15 और 13 तारीख को जो कार्यक्रम गाजियाबाद में होता है उसमें अधिकांश आसपास के क्षेत्र के लोग होते हैं, जैसे कि आपने बताया कि अभी हम पसुंडा है या आपके दूर दूर के जो क्षेत्र है वहाँ से भी लोगों को बुलाने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल करेंगे प्रयास, और इस बार हम पूरा प्रयास करेंगे कि लोग बाहर से भी आएंगे और आपको देखने को भी मिलेगा, सिर्फ केवल गाजियाबाद नहीं, गाजियाबाद के बाहरी क्षेत्र हैं वो भी आपको मिल पाएंगे।